दोस्तों आज की वीडियो में ये प्यारे प्यारे फ्लावर्स ये आप देखिए कौन से हैं, आप सोच रहे होंगे। इस प्लांट का नाम दोस्तों पेंटास होता है। पेंटास के प्लांट छोटे छोटे बंचेज में ये फ्लावर लगते हैं। कितने प्यारे लगते हैं देखने से, ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे कलर में आते हैं, ये 8-10 कलर में तकरीबन आते हैं। इसके और भी मुख्तलिफ कलर मेरे पास हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे देख दीजिएगा आपको अगर देखना हो तो। तो इसी के बारे में आज आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तो वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता हूँ, छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी दे दूँ फटाफट से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताऊँ कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट इसकी कैसी है। दोस्तों सनलाइट के बारे में आपको बताऊं कि सुबह के सन, इसको दिखाना है आपको सुबह 9 बजे से आप 12-1 बजे तक दिखा दें। अभी जो फरवरी जैसा मौसम चल रहा है, इसमें गर्मियों में समर सीज़न में भी सुबह की धूप दिखाएं, 2 से 3 घंटे सुबह की धूप दे दें, काफ़ी होता है इसके लिए। पानी खास ख्याल रखें कि जब पानी मिट्टी खुश्क होने लगे जब भी पानी डालना आपको, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है और ज़्यादा आपको मिट्टी खुश्क होने भी नहीं देना है। क्योंकि इसके ज़्यादा मिट्टी खुश्क हो जाए तो सारे इसके फूल बैंड हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, फिर पानी देने से बड़ा मुश्किल से ये सीधे होते हैं, ख़राब से हो जाते हैं फ्लावर। गमले की बात करूँ तो आप छोटे से छोटे गमले में लगा सकते हैं एक प्लांट। अगर आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए तो 8 इंच गमले के साइज़ 8 से 10 इंच में एक प्लांट लगाएं, चाहे वो कोई सा कलर भी हो, बड़ा अच्छा चलता है। 8 से 10 इंच में एक प्लांट लगाएं। कंपोस्ट के लिए आप 1 से 2 महीने में थोड़े से गोबर खाद डाल सकते हैं, 2 से 3 मुट्ठी। मिट्टी की बात करूँ तो दोस्तों जब आप इसकी मिट्टी तैयार करें तो 15 से 20% आप कंपोस्ट लाजमी मिलाएं इसमें। सीड अगर आपको बीज चाहिए तो फ्लावर को छोड़ दें, सूखने दें। अगर आपको बीज नहीं चाहिए, सीड नहीं चाहिए तो जो फूल स्पेंड हो जाए उसको आप कट करके हटा दें लाजमी, तो नए नए फ्लावर बहुत सारे आएंगे, बहुत बुशी होगा प्लांट। ये पूरा साल चलता है दोस्तों, ये परमानेंट प्लांट है, ना ही सर्दी में ये ख़राब होता है ना ही गर्मी में ख़राब होता है। बस गर्मी में आपको ये ख्याल करना है समर में कि ज़्यादा धूप नहीं पड़ना, इसे पड़ने देना है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल जब ज़्यादा टेम्परेचर चल जाता है गर्मियों में तो आपको सुबह की 2 से 3 घंटे का धूप दिखाना, खाली 12 बजे के से अंदर अंदर धूप दिखाना आपको, 12 बजे से ज़्यादा नहीं दिखाना धूप, वरना इसके पत्ते जलने लगते हैं फिर ख़राब हो जाता है प्लांट। कीड़े मकोड़े के दोस्तों बात करूँ तो ज़्यादा नहीं लगते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे करें, कीड़े मकोड़े साफ़ हो जाते हैं। सीड से ग्रो करेंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा प्लांट हमें मिल जाता है, कटिंग से लगाएंगे तो कम प्लांट मिलते हैं। कितने कटिंग लगाएंगे आप, कटिंग से भी ये तैयार हो जाते हैं प्लांट। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और नए टॉपिक के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़।